हिसार थाना क्षेत्र में बुजुर्ग को झांसा देकर ठगी करने के मामले में पकड़ाए एक युवती सहित दो युवकों ने अन्य थाना क्षेत्रों में ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल तुकोगंज थाना पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दरअसल जिले इंदौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली लोहा मंडी क्षेत्र में बाइक पर आए दो युवक और एक युवती ने बुजुर्ग के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और जिले इंदौर थाना प्रभारी के अनुसार पकड़ाए गए तीनों आरोपियों ने इंदौर के अन्य थानों में भी वारदात को अंजाम दिया है। वर्तमान में चोरी के प्रकरण में पूछताछ के लिए आरोपियों को तुकोगंज थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तीनों आरोपी नशा करने के भी आदी हैं। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट। सर वो हड़ीबाजी करके जो बाइक से महिलाओं से एक्टिवा पे सवार थे उनसे पैसे ले गए, क्या है पूरा मामला? ये दो बदमाश थे, सूरज और आशीष, इनके साथ एक लड़की, ये तीनों शायन मोटरसाइकिल से इन्होंने ये नुआ मंडी रोड पे एक बुजुर्ग के साथ घटना की थी, उसको जाके रोका और उसके साथ पैसे उसके जिम्मे से किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया था इन लोगों ने? ये इनने उसको रोका और बोले कि आपकी गाड़ी से पत्थर उछट के एक बच्ची को लग गया है और वो वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, उसको बहुत खून निकला हुआ है, ऐसे उसको बेवकूफ बनाया और फिर उससे उसके जेब में जो पैसे रखे थे वो छीन लिए। सर इन लोगों ने अन्य जगहों पे भी थानों में वारदात को अंजाम दिया है? ये बहुत शातिर हैं, ऐसी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। तो गोवंज में भी अभी पिया लिया गया, उसमें वहाँ भी उन्होंने इसी मोटरसाइकिल से वहाँ घटना की थी और MIG थाने में भी उनके द्वारा इस टाइप की घटना की गई थी। MG रोड में पूर्व में MG रोड में इन्होंने वारदात की है, इनके MIG परदेशीपुरा, हीरानगर, MG रोड, कई जगह इनके रिकॉर्ड हैं। सर इसमें जो महिला गिरफ्तार हुई इसकी क्या भूमिका है? महिला इनकी महिला मित्र है, ये तीनों साथ में रहते हैं और मुद्दे नशे के आदि तीनों।